हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आज कुमार संगम सर के यूट्यूब चैनल पर हम उपस्थित हुए हैं कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों के लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें किन किन बातों को, किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखे अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि छोटी छोटी गलती जो है हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी सजा दे देती है। तो चलिए, हम इस ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम सर को इन्वाइट करना चाहते हैं और सर से जानेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। तो आइए सर, आप लोग को सर बताएंगे कि किन किन मुख्य बातों को ध्यान रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाना है, और इन्हीं सब के बाद आपको सर बताएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सारे लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। सारे लोग, घबराना नहीं है, ये इसको भी हर एग्ज़ाम की तरह एक नॉर्मल एग्ज़ाम लेना है। घबराना नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल, टेंशन फ्री माहौल, तनाव मुक्त माहौल में जाके एग्ज़ाम देना है। और करना क्या है कि कंसंट्रेशन डेवलप करना है। उस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपका कंसंट्रेशन ही आपको आगे ले जाएगा। घबराना नहीं है। फर्स्ट फेज में क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। हर एक सेक्शन का तो आपको पता ही है, उस सेक्शन में क्या रहेगा। वो 1 से 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग रहता है, वो तो सबको पता है। फिर GS का आता है, फिर हिस्ट्री का आएगा, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी का 40-40 क्वेश्चन रहता है। तो हर क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से पहले बार में देख लेना है। और फिर क्या करना है कि जब देख लेना है, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपसे सही में बन रहा है, उसी को क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ बना देना है। फिर दूसरे फेज में क्या करना है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको लग रहा है कि 90% सही है। और तीसरे अटेम्प्ट में क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ बाकी सारे सेक्शन में जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको देखना है। और वहां पर कुछ आप रिस्क ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन में आप रिस्क लीजिए। रिस्क लेना है क्या, आपको जो आंसर लग रहा है, मैक्सिमम जो सही लग रहा है, उसको क्या कीजिए, टिक कीजिए। और कंसंट्रेशन बनाए रखना है, फर्स्ट मिनट से लास्ट मिनट तक आपका कंसंट्रेशन ही आपको एग्जाम में सक्सेस करेगा। घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है। आयोग का जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को समय से पहुंच जाना है सेंटर पे। एक ओरिजिनल आईडी कार्ड तो रखना ही रखना है, लेकिन क्या करना है कि कंसंट्रेशन, समझ रहे हैं ना, कि पूरा समझदारी से आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन पर बिना पढ़े टिक नहीं करना, और देख लेना है कि इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद जो अप्रोप्रिएट आंसर लगे, वो आंसर आप लोग को क्या करना है, टिक करना है। घबराहट नहीं रखना है, हंसते रहना है हमेशा। हम हमसे सीखिए कितना, हम देखते हैं ना, हम हमेशा हंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप हंसिएगा नहीं, जब तक आपका दिमागी रूप से मजबूत नहीं होइएगा, दिमागी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिसका भी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, वो हर उस एग्जाम में सक्सेस हुआ है जो उस जिसका वो तैयारी करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना और मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहना, प्रेशर आएगा ही आएगा। हम लोग क्या है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हम बार बार बोलते हैं संघर्ष हमारे जिंदगी का हिस्सा है, उससे हम भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जॉब के बाद आप खुश हो जाइएगा, संघर्ष तो रहेगा ही, जिंदगी भर जब तक है तब तक संघर्ष है। इसीलिए क्या करना है कि कंसंट्रेशन को डेवलप कर लेना है एग्जाम के ड्यूरेशन में। घबराना नहीं है, सारे चीज को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ पेपर पर कंसंट्रेट करना है। जब तक आप पेपर पर कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा, दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर का इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, क्वालिफाइंग पेपर को भी पढ़ना है। उसके बाद GS का सेक्शन आएगा, उसके बाद सारे सेक्शन जो आते जाएंगे ना, हर सेक्शन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। जो सब्जेक्ट आपका सेलेक्ट किया गया होगा, जो आप लोग सेलेक्ट किए होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस में, तो घबराहट बिल्कुल नहीं रखना है, ढंग से कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करना है। और आपको कुछ पूछना है? और सर यही पूछना है कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम टाइम में बहुत क्वेश्चन छूट जाता है, और ऐसा भी होता कि सही बना लिए हम और टिक करते समय हड़बड़ी में दूसरा क्वेश्चन, हम दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जैसे ये हम सही आंसर हो रहा था हम भी मार दिए।
इस तरह का क्वेश्चन आता है। और भी है क्वेश्चन जो कि जैसे फर्स्ट में बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि अपना नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, रोल कोड और भरने में जो है मिस कर देते हैं, ये सब कैसे ध्यान रखें, ये सब शुरुआती में, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ये सब बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना है। सारे जो इंस्ट्रक्टर आपके पास होंगे ना, वो सारा चीज़ गाइड करेंगे। पेपर कब खोलना है, कैसे करना है, ऑप्शन को कैसे ध्यान से टिक लगाना है, यही चीज़ ना। कंसंट्रेशन की बात हुई कि आप कंसंट्रेट होइए, एग्ज़ाम को लेकर कंसंट्रेट होइए। उस जो पीरियड है आपके एग्ज़ाम का, जो टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। और जो आपका सेट मिला है, ये सोचिए ये जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, इसके बाद हमको कोई एग्जाम नहीं देना है। हाँ, होता क्या है कि आप टिक लगाने के ड्यूरेशन में करते होइएगा कि आपको पता नहीं चलता है, कुछ गलत, आप उसका आंसर जान रहे हैं और गलत टिक लगा रहे हैं। हम लोग के साथ भी होता है, होता था। करना क्या है कि पहले देख लेना है उसको, पेंसिल से नोब से हल्का सा क्या करना है, उसको पहले टिक कर लेना है। पेंसिल के नोब से जो आपको लग रहा है ना आंसर, उसको टिक कर लेना हल्का सा। फिर क्या करना है कि उसको लास्ट में मार्क करना है। कंफर्म होने के बाद ही आपको मार्क करना है कि हाँ, इसका यही आंसर है। छोटा सा काम करना है कि पेंसिल ले जाना है, अगर ले जा सकते हैं तो, ऐसे तो मना है, शायद मना है, लेकिन अपने सुरक्षा के दृष्टि से आप हल्का सा टिक कर दीजिएगा उसके ऑप्शन ए बी सी डी ई में, जिससे कि आपको लगे कि ये आंसर सही है, तो फिर बाद में आपको अफसोस ना हो कि इसका ये होता होना चाहिए था और ये हो गया। और कुछ पूछना है? नहीं बस। चलिए, अच्छे से बेस्ट विशेज हमारे टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, और आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार हो, इसकी हम शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। चलिए।